दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में देवराज इंद्र का चरित्र बड़े ही बदनाम शब्दों में लिखा गया है। महर्षि कश्यप और अदिति का पुत्र होने के बावजूद इंद्र के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था। इसी के साथ सुंदर स्त्री देवराज की बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने बहुत सी खूबसूरत स्त्रियों के साथ छल पूर्वक संबंध बनाए थे। अब आगे जानेंगे इंद्रदेव ने ऐसा क्यों किया, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। आपको बता दें कि देवराज इंद्र को सभी देवताओं का राजा कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें वर्षा और विद्युत ऊर्जा का देवता भी कहा जाता है। वह हमेशा अपने सफेद हाथी पर वज्र लेकर चलते हैं। यह वज्र ऋषि दधीची की हड्डियों से बना है। बता दें, देवराज इंद्र का विवरण कई हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। बता दें कि देवराज इंद्र कभी भी किसी राजा या किसी ऋषि को अपने से ज्यादा बलवान नहीं बनते हुए देखना चाहते और इसीलिए वह हमेशा तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर उनका तप भंग करा देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इंद्रदेव साम दाम दंड भेद सभी तरह से अपने सिंहासन को बचाने का प्रयास करते थे और इन्हीं कोशिशों के कारण वह कभी कभी ऐसे कार्य कर देते थे जो देवताओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसा करने के बाद वे देवताओं की भी छवि खराब कर देते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इंद्रदेव ने किन किन स्त्रियों के साथ छल पूर्वक संबंध बनाए थे। एक बार इंद्रदेव टहलने के लिए जंगल में निकले तो वहां जंगल में बनी एक कुटिया पर उनकी नजर गई और उस कुटिया में उन्होंने एक रूपवती स्त्री को देखा और उस स्त्री को देखते ही उस पर मोहित हो गए। आपको बता दें कि वह कुटिया किसी और की नहीं बल्कि महर्षि गौतम की थी। जिस औरत को देखकर वह मोहित हुए वह महर्षि की पत्नी अहिल्या थी। अब देवी की सुंदरता देखकर वह उनके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके साथ उन्होंने गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब ऋषि हर दिन सुबह उठ जाते थे और अपने सभी कार्य समाप्त करने के बाद नदी किनारे चले जाते थे। वह 2-3 घंटे का समय बिताने के बाद वो वापस फिर कुटिया में आ जाते थे और अब देवराज इंद्र ने इसी का फायदा उठाने की सोची और एक तरकीब निकाली। फिर एक दिन जब ऋषि गौतम और अहिल्या गहरी नींद में थे तब इंद्रदेव ने अपनी माया शक्ति से भोर कर दिया और महर्षि को लगा कि सुबह हो गई है। वह हर रोज की तरह उठे और अपना कार्य करने के लिए निकल पड़े। तभी इंद्रदेव ने ऋषि गौतम का भेष बनाया और देवी अहिल्या के पास पहुँच गए। कुटिया में पहुँचने के बाद देवी से मीठी मीठी बातें करने लगे और फिर अहिल्या के साथ संबंध स्थापित किया। उधर गौतम ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने धोखे से सुबह की है। उसके बाद वह तुरंत वापस कुटिया में पहुंचे जहां उन्होंने उनके ही भेष में देवराज इंद्र को उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देखा। यह दृश्य देखकर ऋषि गौतम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा। उसके बाद ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना से भरे इंद्रदेव को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां हो जाएंगी और वह चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। अब ऋषि के श्राप का असर भी धीरे धीरे होने लगा और देखते ही देखते स्वर्ग के अधिपति के शरीर पर योनियां ही योनियां उग आई। ऐसा होते देख इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। देवराज की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने उन्हें क्षमा तो कर दिया लेकिन कहा कि अगर एक बार श्राप दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे शरीर पर उगी हुई योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इसके बाद इंद्रदेव के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। वही देवी अहिल्या भी अपने स्वामी गौतम ऋषि से माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि उनका इसमें कोई दोष नहीं है और उनके मन में छल करने की कोई भी भावना नहीं थी। इसके बाद ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आएंगे और उनके स्पर्श से तुम पुनः स्त्री बन जाओगी।
फिर कई वर्षों बाद भगवान विष्णु के सातवें अवतार में श्री राम का अवतार लिया और देवी अहिल्या को उन्हें छूकर उस श्राप से मुक्ति दिलाई। और फिर इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ ही नहीं बल्कि ऋषि रूपांगद की पत्नी मुकुंदा के साथ भी छल से ही संबंध बनाए थे। तो हुआ क्या, एक बार ऋषि रूपांगद गणपति जी की कठोर तपस्या में लीन थे। उनका यह तप देखकर इंद्रदेव के साथ साथ सभी देवता भयभीत होने लगे। उन सबको यह लग रहा था कि ऋषि कहीं अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त ना कर ले। वे सभी यह कह रहे थे कि अगर ऋषिवर अपनी भक्ति में सफल हो गए तो हमें यह लोक छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसे में इंद्र ने अपने भाइयों से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। इसके बाद वह ऋषि रूपांगद की कुटिया के पास पहुंचे, जहां पर ऋषिवर की पत्नी मुकुंदा अपने स्वामी को याद कर रही थी। अवसर देखकर इंद्रदेव ने अपना रूप ऋषि रूपांगद में बदला और मुकुंदा के करीब पहुंच गए। अपने स्वामी को देखकर पहले तो देवी मुस्कुराई, फिर बाद में पूछने लगी, क्या आपका तप संपन्न हो गया? मैं यह वियोग खत्म होने की प्रतीक्षा ही कर रही थी, लेकिन मेरी ये कामना भगवान गणपति से बड़ी नहीं है। इसके बाद देवराज इंद्र उन्हें कुटिया के भीतर ले गए और कुछ समय बाद जब वह कुटिया से बाहर आए तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में बदल गए और जोर जोर से हंसने लगे। इंद्रदेव की हंसी सुनकर देवी मुकुंदा भी कुटिया से बाहर आ गई। देवी मुकुंदा ने सामने देवराज इंद्र को खड़ा देखकर रोने लगी और अपने किए हुए कार्य पर पछताने लगी। तब देवराज इंद्र हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पति की पूजा अधूरी रह जाएगी और तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ऋषि रूपांगद का नहीं बल्कि मेरा पुत्र कहलाएगा। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने कितनी महिलाओं के साथ छल पूर्वक संबंध बनाए थे।